तो गाइज, मेरे और आप लोगों के यूट्यूब चैनल बावस एडिट्स पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अभी आपने जो फ़ोन के स्क्रीन पर स्टार्टिंग में स्टेटस वीडियो देखा, इस टाइप का वाइट स्क्रीन लिरिक्स स्टेटस वीडियो बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा कम्प्लीट स्टेप बाई स्टेप। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो टेक्स्ट प्रीसेट फाइल का यूज़ करूँगा उसके ऊपर पासवर्ड होगा। पासवर्ड आप लोगों को वीडियो के एंड में कहीं पे मिल जाएगा, तभी आप उसे डाउनलोड कर पाओगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल स्किप मत करना। तो इस वाइट स्क्रीन लिरिक्स वीडियो को बनाने के लिए आप लोगों को दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर और अलाइट मोशन। ये दोनों एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर ले, या फिर क्रोम पर जाके इसका एपीके मोड डाउनलोड कर ले, क्योंकि उसमें वाटरमार्क नहीं आएगा। सबसे पहले वाइट स्क्रीन लिरिक्स वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। अलाइट मोशन के ओपन हो जाने के बाद दोस्तों, आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। अभी उसके बाद आप लोगों को प्लस वाला आइकन पर नीचे क्लिक कर लेना है, और यहां से 16:9 का रेशो सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आप क्वालिटी इसकी सेलेक्ट कर लेते हो, जितना आपका फ़ोन सपोर्ट करता है उस हिसाब से, और बैकग्राउंड कलर वाइट रख लेने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे ग्रीन कलर में प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है, मीडिया पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ से आप लोगों के जिस भी फोल्डर में सॉन्ग हो वो यहाँ से सॉन्ग ले लेना। तो मेरे वीडियो में से सॉन्ग है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ जल्दी से गाना। इस तरीके से ले लेने के बाद दोस्तों, ये वीडियो है, तो हमें इसमें से ऑडियो निकालने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, इस टाइप से 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है और एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद इसमें ये गाना सकते आ गया है, तो आपका इस तरीके से। उसके बाद आप लोगों को इस गाने को सुन सुन के जहाँ से हमारी लिरिक्स स्टार्ट हो रही है वहाँ से बीट मार्क लगा लेना है, जहाँ से शुरू होकर जहाँ तक ख़त्म हो रही है वहाँ तक आप लोगों को बीट मार्क इसमें ऐड कर लेना है। बीट मार्क किस तरीके से ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ से लिरिक्स स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे इस तरीके से दबा देना है, और यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो इस तरीके से दबा देना है। तो मैं जल्दी से आप लोगों को बीट मार्क लगा के बाद में दिखा लेता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और इसमें कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग। तो गाइज, मैंने इस टाइप से इसमें सभी में ये बीट मार्क लगा लिए, जहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट सॉन्ग स्टार्ट और ख़त्म हो रहा हो। उसके बाद आप लोगों को क्या कर लेना है, उसके बाद यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेक्स्ट प्रीसेट फाइल का लिंक दे दूंगा, तो उसके ऊपर पासवर्ड होगा, तो पासवर्ड आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोगों को वीडियो कम्प्लीट देख लेना। उसके बाद इस तरीके से टेक्स्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ से आप लोगों को जो भी टेक्स्ट प्रीसेट पसंद आए वो यहाँ से मैं अभी बता लेता हूँ। इस तरीके से जैसे कि मुझे ये वाला प्रीसेट लेना है, तो मुझे इसके ऊपर क्लिक कर लेना है इस तरीके से इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ से मैं इसका कॉपी इफेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से इसके ऊपर रख लेना है, और यहाँ से आप लोगों को थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। इस तरीके से कॉपी इफेक्ट कर लेने के बाद हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उसके ऊपर क्लिक कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ से आप लोगों को बीट मार्क के ऊपर आ जाना है, और यहाँ से आप लोगों को जो भी फर्स्ट गाने के लिरिक्स हो वहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, डबल ए वाले टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से लिख लेनी है। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। इस तरीके से लिरिक्स लिख लेने के बाद आप लोगों को इस लिरिक्स को कॉपी कर लेना है यहाँ से,
कॉपी कर लेने के बाद यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर को ओपन कर लेना है। उसके बाद यूनिकोड AMS इंडिया फॉन्ट इसके ऊपर क्लिक कर लेना है रेड कलर में, और यहाँ पे हमने जो कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट कर लेने के बाद यूनिकोड AMS इंडिया फॉन्ट इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर से लाइट मोशन में आ जाना है, और यहाँ से हमने जो लिखा है इसको कट कर लेना है, और यहाँ पे कॉपी किया है उसको पेस्ट कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ से ऊपर फॉन्ट में जाके यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर लेना, जो भी आप लोगों को चाहिए वो वाला। तो मैं यहाँ से ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ, और यहाँ से इसका कलर फिलहाल तो मैं यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से इसको इस तरीके से इसकी साइज़ को बढ़ा लेना है। साइज़ बढ़ा लेने के बाद यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेना है इधर इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से इसको पीछे से बढ़ा तो इधर से कट कर लेना है, और यहाँ से फिर से इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, डबल ए पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ से सेकंड लिरिक को लिख लेना है। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। इस तरीके से लिख लेने के बाद इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आप लोगों को फिर से इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर को ओपन कर लेना है, और यहाँ से फिर से हमने जो कॉपी किया उसको पेस्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद इंडिया कोड पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से इसको यूनिकोड निकाल लेना है इसका, और यहाँ से फिर से हमें लाइट मोशन में जाने के बाद अभी हमने जो कॉपी किया उसको पेस्ट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। फॉन्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से इसका कलर ब्लैक कर लेना है, और यहाँ से इसकी भी साइज मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके बढ़ा लेनी इस तरीके से। इस तरीके से बढ़ा लेने के बाद इसको यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को क्या कर लेना है, इस टाइप से सारी लिरिक्स को लिख लेना है। तो मैं जल्दी से लिरिक्स को लिख लूँगा, फिर आप लोगों को बता देता हूँ आगे क्या कर लेना होगा। तो दोस्तों, मैंने इस टाइप से आप लोगों को दिखाने के लिए ये वाले लिरिक्स सारी इसमें लगा लिए, लिख लिए। उसके बाद आप लोगों को लिरिक्स के ऊपर क्लिक कर लेना इस तरीके से, इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर लेना, थ्री डॉट पर क्लिक करना और पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो इसमें ये वाला हमने जो शेक इफेक्ट वहाँ से कॉपी किया था वो इसमें आ चुका है। उसके बाद इसको यहाँ से इस टाइप से मैं बता देता हूँ, ये इस टाइप से आ गया। उसके बाद अगली लेयर पर क्लिक कर लेना, इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना और पेस्ट इफेक्ट कर लेना। तो इस टाइप का ये शेक इफेक्ट इसमें लग गया। इस टाइप से आप लोगों को सभी में शेक इफेक्ट लगा लेना। तो मैं लगा लेता हूँ उनमें से और बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद आपको लोगों को इसमें दूसरा शेक इफेक्ट ऐड करना हो तो उसके लिए हमें फिर से टेक्स्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना होगा। टेक्स्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना आप लोगों को जल्दी से, उसके बाद मैं बता लेता हूँ आप लोगों को। इस तरीके से क्लिक करना, इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, कॉपी इफेक्ट कर लेना इस तरीके से। उसके बाद फिर से हमने अपने प्रोजेक्ट में चले जाना। प्रोजेक्ट में चले जाने के बाद आप लोगों को लिरिक्स देख लेनी, इस वाली लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना, इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना और पेस्ट इफेक्ट कर लेना। तो इस टाइप का इसमें पेस्ट शेक इफेक्ट ये लग गया है, देख सकते हो आप। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। पासवर्ड आप लोगों को वीडियो में दिख जाएगा। उसके बाद इस तरीके से इफेक्ट को इसमें पेस्ट कर लेना। तो इस तरीके से आप लोग वाइट स्क्रीन लिरिक्स वीडियो बना सकते हो। उसके बाद इस वाले एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना, तो ये आपके फ़ोन की गैलरी में सेव होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्टेटस वीडियो की एडिटिंग पसंद आई, गियर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूँगा नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।